प्रिय किसान भाइयों, अन्नदाताओं, श्रीमुख किसान चैनल आपका स्वागत करता है। आज मैं आपको एक ऐसी बीमारी बताऊंगा जो कई रोग कारकों के द्वारा उत्पन्न होती है और कई फसलों में लगती है। इस बीमारी का नाम है पाद गलन। जब भूमि का वातावरण ठीक नहीं होता है, उस दशा में जब आप बुआई करते हैं तो बीज अंकुरित होने से पहले यानी ज़मीन के अंदर ही मर जाता है, अंकुरण या अंकुरण बाहर आ जाता है, उसके बाद मरता है। अब आप समझ सकते हैं कि ये बीमारी कितना नुकसान पहुंचाएगी। बीज का नुकसान होगा, समय का नुकसान होगा। इस रोग को डैम्पिंग ऑफ या पाद गलन कहते हैं। इनके रोग कारक सभी के सभी भूमि जनित होते हैं, भूमि में ये पड़े रहते हैं। किसान भाई, आप जानते होंगे, आपका अनुभव होगा कि जब आप गेहूं थोड़ा पहले बो देते हैं, भूमि में नमी अधिक रहती है और टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, तो डीभी मर जाती है। आप कहते हैं कि डीभी मर रही है। ये डीभी मरना और कुछ नहीं है, ये पाद गलन ही है। ये बीमारी कई रोग कारकों के द्वारा होती है, लेकिन इसका जो प्रभाव पड़ता है उसमें नए पौधे मर जाते हैं। मैंने अभी बताया कि ज़मीन से निकलने से पहले या ज़मीन के निकलने के से बाहर निकलने के बाद। इसे अंग्रेजी भाषा में प्री एमर्जेंस और पोस्ट एमर्जेंस भी कहा जाता है। तो किसान भाइयों, इस में क्या होता क्या है, जब पौधा अंदर रहता है, बीज अंदर रहता है और अंकुरित होता है, उस समय रोग कारक उन पर आक्रमण कर देता है, उसके टिश्यूज मर जाते हैं, नेक्रोसिस हो जाती है, सेल्स मर जाते हैं और ये अंदर ही अंदर मर जाता है। जो पौधे बाहर निकल आते हैं तो ज़मीन की सतह पर रोग कारक पौधे को संक्रमित करता है, वहाँ के ऊतकों को मार डालता है, जिससे आधार कमज़ोर जाता है और पौधा नीचे की तरफ गिर ज़मीन पर लुढ़क जाता है। ऊपर का भाग हरा ही रहता है और लुढ़क जाता है। किसान भाई समझते हैं कोई कीड़ा काट दिया और मेरा पौधा गिर गया, ऐसा नहीं है। ये फंगस ही सतह पर मार डालता है उसके ऊतकों को और वो पौधा गिर जाता है। इसे आप डीभी मरना कहते हैं या डैम्पिंग ऑफ हम कहते हैं, पाद गलन कहते हैं। पाद गलन के अलावा इन रोग कारकों के द्वारा रूट रॉट भी उत्पन्न होता है, पत्तियों पर भी धब्बे बनते हैं और कभी कभी रोगी पौधे से कवक तंतु बाहर निकले हुए दिखाई देते हैं। रोग कारक कई प्रकार के होते हैं, जिनका नाम इस प्रकार है। अल्टरनेरिया है, राइजोक्टोनिया है। जो सबसे प्रमुख रोग कारक है, पीथियम है, फाइटोप्थोरा है, स्केलोशिया है और भी कई तरह के फफूंद जो सॉयल बॉर्न होते हैं, भूमि जनित होते हैं, ये बीमारी उत्पन्न करते हैं। आपको वीडियो में चित्र दिखाई पड़ेगा, उन चित्रों को देख करके आप इस बीमारी को पहचान जाएंगे। किसान भाइयों, आप रोग कारकों का नाम जान लिए, अब मैं इस बीमारी का नियंत्रण कैसे आप करेंगे इस बारे में मैं आपसे बात करूंगा। आपका बीज जो है वो यदि शोधित हो और उसकी बुआई आप करें तो बीमारी कम लगेगी। भूमि
में जल निकास का अच्छा प्रबंध हो और पौधों की सघनता थोड़ी कम हो जिससे कि हवा और प्रकाश मिल सके तो बीमारी कम लगेगी। जिस भूखंड में सीडलिंग उगानी हो, नर्सरी का पौधा उगाना हो, उस भूमि को 4% के फार्मलिन घोल से सींच दें और उसके ऊपर से प्लास्टिक बिछा दें। प्लास्टिक के किनारों पर थोड़ी मिट्टी रख दें जिससे कि वो पैक हो जाए और फिर उस फार्मेलिन को एक दिन के बाद हटा दें और भूमि को थोड़ा खुला छोड़ दें जिससे कि फार्मेलिन की जो गैस है वो बाहर निकल जाए। इसके बाद ही आप उसमें बीज का रोपण कर सकते हैं। किसान भाइयों, आप जो भी यंत्र इस्तेमाल करते हैं, ट्रे इस्तेमाल करते हैं, गमले इस्तेमाल करते हैं, यदि नर्सरी उगाने के लिए, तो ये पूर्णतया जीवाणु रहित होना चाहिए। इसे भी आप जीवाणु रहित करके ही आप इसमें पौध उगाएं तो बीमारी कम लगेगी। किसान भाइयों, नर्सरी उपयुक्त समय पर ही डालें जबकि खेत में सामान्य तापक्रम और नमी हो। बीज को बोने से पूर्व कुछ मैं रसायनों का नाम बताऊंगा जिनसे आप बीज शोधन करने करके ही आप बीज बोएं। वे रसायन हैं थायरम, मेटालैक्सिल। दवाओं के नाम आप नोट कर लें, क्लोरोनिल, क्लोरोनेव, मैंकोजेव, कैप्टान। अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको एक दवा का नाम बताया था, मेटालैक्सिल। इसका प्रयोग यदि आप करेंगे तो यह डैम्पिंग आपके लिए बहुत ही उपयुक्त दवा है। उपयुक्त रसायनों का नर्सरी में ऊपर से भी छिड़काव कर सकते हैं जिससे आप बीमारी से बच सकते हैं। किसान भाइयों, ये वीडियो शुरू से आखिर तक देखें और इन दवाओं का नाम आप नोट कर लें और जो बताया गया उपाय है उसे करें। एक चीज़ मैं बताना तो भूल गया था, यदि आपके पास भूमि हो तो फसल चक्र भी अपना लें तो बीमारी कम लगेगी। उन भूमियों में पुनः नर्सरी न डालें जिसमें पहले से बीमारी लगती रही हो। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब के समय बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आशा करता हूँ ये ज़रूर आपको अच्छा लगेगा। धन्यवाद।